लोसो ग्रीड की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके पास टोटल कितना धन होगा और कितना धन आप कमाएंगे अपने जिंदगी में। इसके बारे में हम लोसो ग्रीड से पता कर सकते हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ 24/4/1977 है। अगर आपके पास में टाइम और प्लेस है तो आप कुंडली भी बनवा सकते हैं, लेकिन नोमोलॉजी के हिसाब से हम इसमें आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, और आप इसे अच्छे तरह से समझें और आप अपने डेट ऑफ बर्थ पर आप खुद अप्लाई करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अब है कि सबसे पहले जो हम लोसो ग्रिड का ये चार्ट है, ये चार्ट जो होता है वो फिक्स होता है, तो हम ये बता देते हैं कि इसमें 2 होता है, ये 9 होता है और इसमें ये 4 होता है। यानी कि 4 होता है तो ये होता है राहु का, ये होता है मंगल का और ये होता है चंद्रमा, इसमें हो गए केतु, और ये 5 होता है बुध का, ये हो गया 3 गुरु का, और ये हो गया 8 शनि का, ये इसमें आ गए एक सॉरी यहाँ ये शनि का, और ये हो गया सूर्य का, और ये हो गया शुक्र का यानी कि वीनस का। चलिए अब ये चीज ये फिक्स होता है, अब इसमें कहीं चेंज नहीं हो सकता है। अब हमको चेंज किस में करना है, तो आपको जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो ये पहले 24/4/1977 जो है, ये 24/4/1977 किसी जातक का मैंने लिया है और उसमें नेम डाला है रमेश कुमार। अब 24/4/1977 में सबसे पहले आपको 24 जो है इसका हमको 6 बना लेना है, और एक तो नंबर ये 6 मिल गया जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24, आपको ये दोनों को जोड़ लेना है। कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अगर 2 डिजिट का है तो उसको सम कर लो। उसके बाद अब हम इस सब को प्लस करेंगे। अब हम सबको प्लस करेंगे तो 2+4 प्लस, फिर हमारे पास में 4 आ गया, फिर प्लस हमारे पास में 1 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 7 आया। अब दोस्तों इस सबको हम प्लस करेंगे तो 2+6 10 28 एक 24 29 27 28 24 28 29 31 32 34, यानी कि ये आ गया टोटल 34। यानी कि ये दोनों को अगर 34 को अगर जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 2 का योग 7, यानी कि 3+4 करेंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पे 7। आपको ये दिख रहा होगा 3+1 किए तो ये 7 आ गया। अब हम अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, तो आगे बढ़ने 7 यहाँ पे एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डिजाइन करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे अगर हम डिजाइन किए तो सबसे पहले हम जहां पे ये जो नंबर है उसको हम उस तरह भरेंगे, तो जहां पे ये 2 है तो 2 का नंबर ये है, फिर 4 है तो 4 का ये हो गया राहु का, यानी कि 4 हम राहु के स्थान पर डाल दिए, 1 हो गया सूर्य का तो हम एक सन के स्थान पर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद 9, 9 नंबर कहाँ है तो 9 नंबर ये हो गया हमारा मंगल का, और उसके बाद हो गया 7 नंबर, फिर हमको 7 का रिपीटेशन करना है, 7 यहाँ पे डाले, 7 का ये घर होता है, फिर हमको 7 का 2 बार करने का है 7, और फिर एक 7 जो है यहाँ पे 7 एक ये 7 ले लिए, यानी कि इस दोनों नंबर को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस दोनों नंबर को भी आपको लेना है। अब उसके बाद एक बच गया 6, अब 6 को अपने वीनस के घर में डाल देने का। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको हम सजा लिए हैं। अब देखिए कि इसके इसके पास में सबसे पहले तो कौन से घर खाली है, तो घर खाली हो गया गुरु का, बुध का और शनि का। अब देखिए कि इसके पास में यहाँ पे ये घर जो ये जो हमने आपको बताया था, ये जो होता है ये घर के लिए होता है। इसका हर एक हम चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें हमको धन के बारे में पता लगाना है। ये जो होता है ये घर का होता है, घर के। अब देखिए इस व्यक्ति का पैतृक घर भी होगा, अगर नहीं होगा तो ये अपना फ्लैट बहुत जल्दी आदमी बना सकता है। ऐसा मतलब कि अगर हम फ्लैट या गाड़ी घोड़ा की बात करते हैं तो ये बना सकता है ऐसा। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे ज्यादा डिजिट का रेपुटेशन होता है तो उसके पास में पैतृक संपत्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो अपनी जमीन लेके घर बना सकते हैं, ये सब
चलिए हम इसकी बात हम इसमें नहीं करते हैं, हम करते हैं टोटल धन की बातें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 9 नंबर यानी कि मंगल इसको सपोर्टिव, ये 9 नंबर है सपोर्टिव है, यानी कि माता पिता से भी इसको अच्छा धन मिलेगा, दोस्तों से भी धन मिल सकता है, यानी कि बिजनेस पार्टनर में भी अच्छा इसको इनकम हो सकता है। हाँ, इस व्यक्ति को माता पिता से ज्यादा इसको अपने कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा धन मिला होगा, क्योंकि केतु के घर पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि 7 नंबर का जो रिपीटेशन है वो 2 से 3 बार है। तो इसमें आज की जो प्रेजेंट युग है, यानी कि इसमें केतु और राहु दोनों का अच्छा होना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए ये दोनों आते हैं दानव ग्रह में, लेकिन राहु और केतु जब अपने चरम सीमा पर होते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं। तो भले ही ये आदमी घर से मजबूत नहीं हो, लेकिन इसके पास में बहुत अच्छा पैसा आ सकता है जब वो एक्शन में आएगा। यानी कि यहाँ पे राहु भी इसका डिजिट का चेंजिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, डिजिट रिपीटेशन हो रहा है, और इसका केतु भी घर भरा हुआ है, और शुक्र में भी 6 नंबर है। तो यानी कि इसके पास पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। हाँ, कुछ चीज ऐसा हो सकता है जैसे कि इसमें मतलब कि लॉस होने का मतलब कि कोई आदमी इसको ठग सकता है ऐसे आदमी को धन आने के बाद। तो इस चीज से सावधान होना इन ऐसे व्यक्ति को बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका बुध खाली है, गुरु खाली है, और कहीं कहीं देखेंगे तो आपको शनि भी खाली है। लेकिन शनि जो है वो एक्शन का होता है, शनि एक्शन में लाता है आदमी को, लेकिन राहु केतु है तो और शुक्र भी है, तो इन्हें धन की प्रॉब्लम जो है वो अपने, यानी कि अगर ये 24 साल में अपना काम शुरू कर दे या 26 साल में कर दे या 30 साल में कर दे, उस कब आप काम शुरू कर सकते हैं वो भी इससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम आपको एक नए वीडियो देंगे। हाँ, इस व्यक्ति के पास में अपने कर्म के बाद ही इसके पास धन आएगा और बेशुमार धन आएगा, क्योंकि इसके पास केतु भी है जिसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, राहु भी है और शुक्र का भी नंबर एक नंबर घर इसको 6 नंबर को मिल गया है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोमोलॉजी, पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।